वेलकम टू गिल स्मार्ट स्टडी। माय नेम इज़ कुलविंदर सिंह। मैंने पिछले ही हफ्ते बहुत सारिया वीडियोज़ बनाईया सी इग्नू दे एंटिटी प्रोजेक्ट नू लैके, जिदा कि नेक्स्चर किदा फिल करने ने, गाइड किदा चूज़ करना और जो प्रोजेक्ट वर्क है वह किन्ना पेजेस उपर आप लिखना गा। सो उन्हां वीडियोज़ दे नीचे और मेरी टैलीग्राम आई डी उपर, वट्सएप उपर, ईवन कि मैनू फोन कॉल करके भी बच्चे पुछ रहे ने कि सर असी अपना प्रोजेक्ट वर्क आखिर बनाउणा किदा गा। सो बच्चों नहीं पता लग रहा कि जो प्रोजेक्ट वर्क है एंटिटी का वह बनेगा किदा। बच्चे लिखना तो स्टार्ट करते हैं बट उन्होंने कितने ना कि जाके कन्फ्यूजन आ जाती है, वो अपना जो वर्क है वह पूरा नहीं कर पाते। सो मैं तुम्हें दस देना कि जो अज की वीडियो है इस दे विच मैं तुम्हें समझाऊँगा इग्नू दे डी ई सी फोर प्रोजेक्ट के बारे, जिहड़ा कि लॉकडाउन के समय में किदा पूरा करना गा। इग्नू ने जिहड़ियां आपां नूं नवीं गाइडलाइनस जारी कीतियां नेगियां, रिवाइज्ड गाइडलाइनस, उन्हां अकॉर्डिंग जो अपना प्रोजेक्ट वर्क हैगा वह आपां किदा बनाउणा गा। सो अज की वीडियो उन्हां दोनों बच्चों के लिए है, एक तो जिन्हां नूं पी डी एफ की सहायता चाहिए है और सैकेंड जिहड़े बच्चे खुद अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाउणा चाहुंदे ने, वह खुद क्रिएट करना चाहुंदे ने। सो उन्हां दोनों बच्चों की मदद के लिए जो अज की वीडियो है वह होएगी। सब तो पहले तो मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि जिहड़े बच्चों नूं पी डी एफ चाहिए है, पी डी एफ की सहायता नाल जिहड़े बच्चे बनाउणा चाहुंदे ने, दैन वह मैनूं कंटैक्ट कर सकते हैं। मेरा खुद का नंबर हैगा 6236 37 128। इस नंबर पर वो बच्चे कंटैक्ट कर सकते हैं जिन्हों मतलब पी डी एफ वगैरह चाहिए है। दैन ज होर बच्चे जिन्हों जे खुद क्रिएट करना चाहते हैं उन्होंने भी जेकर किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए होवे दैन वह भी कंटैक्ट कर सकते हैं। तो जो अज की वीडियो मैं बना रहा, सो ये वीडियो उन्होंने बच्चों के लिए भी होएगी जिहड़े बच्चे अपना खुद क्रिएट करना चाहते हैं और जिहड़े मतलब पी डी एफ लैना चाहते हैं उन्होंने भी ये देखनी जरूरी है, क्योंकि तुहानू ये सारिया चीज़ां पता होनिया जरूरी ने। सो सब तो पहले तो आप गल करते हैं कि इग्नू ने जिहड़ियां गाइडलाइनस जारी कीतियां सीगियां नवीं, वह है कि नहीं गियां, वो सानू मिलनगियां कितों। सो सब तो पहले मैं तुहानू दसदा 30 नवंबर 2020 वालियां जिहड़ियां आपां नू गाइडलाइनस इग्नू ने जारी कीतियां सी वह अपनी न्यू गाइडलाइनस ने। ये सानू मिल जो आप गूगल दे विच जाने उतों कई बार डाउनलोड करने दे विच प्रॉब्लम आ जाती है, बट तुसी एक काम करो गिल स्मार्ट स्टडी टैलीग्राम चैनल है, इनू ज्वाइन कर लियो टैलीग्राम उपर जाकर, ठीक है। इनू सर्च करोगे गिल स्मार्ट स्टडी, दैन इनू ज्वाइन करोगे तो तुहानू जो नवीं गाइडलाइनस ने 30 नवंबर 2020 वाली, प्लस जेडे बच्चे हिंदी वाले ने जिन्हों हिंदी लैक्चर नहीं मिल रहे, दैन वो भी इतने जाके आसानी उन्होंने ये चीज़ा दोनों चीज़ा मिल जाएगियाँ। सो तुम गिल स्मार्ट स्टडी का टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जेकर तुहानू न्यू गाइडलाइन चाहिए ने। दैन आप गल करते हैं जो प्रोजेक्ट वर्क है वह लॉकडाउन के समय में आप पूरा किदा करना गा। सब तो पहले मैं तुम्हें दसदा कि जो प्रोजेक्ट वर्क की नींह है वह तीन चरणों पर टिकी हुई है। सब तो पहला आ जाता अपने को पहला चरण, फिर आपू वंडिया दूजे चरण के दैन अपने को आ जाता है तीसरा चरण। हूँ पहला चरण, दूजा चरण और तीजा चरण। सो ये जो टोटल अपने को तीन चरण ने, इन्होंने कोल अपने को 30 डेज़ के आप पूरे करने ने। सो 30 डेज़ के इन्हों कि वंडिया गया है, सो जो पहला चरण है ये अपने को 5 डेज़ का, सो सैकेंड अपने को 20 डेज़ का, जो थर्ड अपने को अगेन आ जाता 5 डेज़ का। सो ये तीन चरणों के आप वंडिया गा 5 डेज़ 20 डेज़ और 5 डेज़। जो जे इन्हों का प्लस करोगे दैन टोटल किन्ने बन जाते हैं 30 डेज़ बन जाते हैं। सो कहने का भाव यह होया कि जो तुम अपना प्रोजेक्ट वर्क हैगा उसके उपर घट्टो घट 30 दिन तो लगाओगे ही, बदो बद तुहाडी मर्जी है तुसी किन्ने भी लगा सकते हो, बट जो मिनीमम है वह 30 आपू हैगी है कि 30 की रिक्वायरमेंट हैगी है, 30 डेज़ आप स्पेंड करने ने, 30 डेज़ के ही आप बनाना गा। सो हुण आपां गल करते हैं कि जो नवीं गाइडलाइनस सीगियां उन्हां अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट वर्क किवें तैयार करना गा। सब तो पहले मैं तुहानूं दसदा कि हुण लॉकडाउन का समा गा, बट जो लॉकडाउन नहीं सी उस टाइम आप प्रोजेक्ट वर्क किदां बनाउंदे सीगे, जो उस टाइम जो पहला अपना चरण सीगा वो असी किसी प्री स्कूल दे विच जाके बनाउंदे सीगे। प्री स्कूल दे विच असी जाना हुंदा सी, दैन असी जो उतों दे टीचर सीगे उन्हां नूं ऑब्जर्व करना हुंदा सीगा, अपनी कापी उपर उन्हां दी ऑब्जरवेशन नोट करनी हुंदी सी, दैन असी अपना
जो फस्ट चरण है वह कंप्लीट करते सके, बट हूँ अजा नहीं है, लॉकडाउन का समा गा, बट फिर भी असी प्रोजेक्ट वर्क तो बना के देना इग्नू नूं, दैन असी किद्दां बना के देवांगे। इग्नू ने जिहड़ियां आपां नूं गाइडलाइनस जारी कीतियां ने 30 नवंबर 2020 वालियां, उन्हां दे विच उन्हां ने आपां नूं सैक्शन ए और सैक्शन बी देता। सैक्शन ए दे विच देखो की दिता, सैक्शन ए दे विच उन्हां ने देतियां आपां नूं 2 वीडियोज़ और सैक्शन बी दे विच देतियां 2 वीडियोज़। हुण तुहाडे मन च होएगा कि टोटल 4 वीडियोज़ हो गया, तो 4 वीडियोज़ से ही पहला चरण बनाउणा गा, नहीं ऐदा नहीं करना। असी की करना गा, जो ये 2 वीडियोज़ ने ये सानू इंग्लिश और हिंदी मीडियम दे विच दित्तियां होईयां ने, पहले चरण दे विच भी इंग्लिश और हिंदी वालियां ने और दूजे चरण विच भी। हुण एक गल ध्यान रखियो, जिहड़े बच्चे हिंदी वाले ने वह हिंदी वाली चूज़ करनगे इहदे चों, और जो अंग्रेजी वाले ने वह अंग्रेजी वाली चूज़ करनगे। सो एक वीडियोज़ आपां ए सैक्शन चों चकांगे, एक आपां बी चों चकांगे। इन्हों 2 वीडियोज़ से ही जो आप क्रिएट करना गा वो अपना पहला चरण करना। सो एक तो गल हुई अपने को, ठीक है, वीडियोज़ की, और वीडियोज़ आप देख के जो अपना पहला चरण बना गा। बट हुण गल आ जाती है कि बनाना की है, उस दे विच करना की है। वीडियोज़ तो असं देख रहे हैं बट बना कि गा, वो उस दे विच अपने को 3 मुख्य पॉइंट ने, अवलोकन, विश्लेषण और निष्कर्ष। सब तो पहला तो असी वीडियोज़ में देख के ये ऑब्जरवेशन करनी है कि जो शिक्षक हैगी वो किस तरह का व्यवहार कर रही हैगी, भाव के ऑब्जर्व करना है उन्होंने, ठीक है, वो किड़े तरीकों नाल गतिविधि करा रही है, वो सारा कुछ असी नोट करते जाना गा। दैन असी उस तो बाद वो जो गा अपना ऑब्जर्व असी कीता गा वो अपने प्रोजेक्ट वर्क दे विच लिखना गा। हुण सैकेंड गल आ जाती है विश्लेषण की। हुण विश्लेषण दे विच की हैगा, विश्लेषण दे विच उही चीज़ आ जाती हैगी कि जो असी ऑब्जर्व कीता, असी लिखना गा कि जो शिक्षकों ने बच्चों के नाल बच्चों का सब तो पहला स्वागत किया, ठीक है, वो किस तरह का किया गया, उस टाइम जो शिक्षकों का व्यवहार सीगा वो किस तरह का सीगा, नरम सी, कठोर सीगा, बच्चे शिक्षकों नाल मिल रहे सी जा नहीं मिल रहे सी। सो इदां दीआं जो बहुत मतलब टैक्नीकल पॉइंट ने वो असी अपने विश्लेषण दे विच पाउणे ने। इदां नहीं करना कि तुसी अपनी इस दे विच सारी कल्पना ही पा दो, सो वो तुसी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो एवैल्यूएटर है वह 3 पॉइंट्स तो ही तुहाडा प्रोजेक्ट वर्क चैक करेगा, जिदा मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा मेरे पिछले बैच तो। सो उस आधार पर ही मैं तुहानू दस रहा कि जो एवैल्यूएटर है वह 3 पॉइंट्स तो ही तुहाडा प्रोजेक्ट वर्क चैक करता गा। सब तो पहला आ जाता गा तुहाडी लैंग्वेज, एवैल्यूएटर नू समझाउणी जरूरी है कि तुहाडी लैंग्वेज एवैल्यूएटर नू समझ आउंदी है। सैकेंड आ जाता है कि तुसी अपना प्रोजेक्ट वर्क न्यू गाइडलाइनस अकॉर्डिंग बनाया है। थर्ड आ जाता है कि तुसी प्रोजेक्ट मैनुअल दे विच जो उन्होंने दिता गा उस अकॉर्डिंग तुहाडा प्रोजेक्ट मैनुअल दे अकॉर्डिंग तुहाडा प्रोजेक्ट तैयार है, भाव कि इन्हां तिन्हां चीज़ां नू मिला के ही जो एवैल्यूएटर है वह तुहानू नंबर दिंदा गा। बट जेकर तुसी ऐदा करोगे, अपनी निरी पूरी कल्पना पा दोगे, जिमें कि आपां ETT वाले फाइल्स जां BEd वाली फाइल्स दे विच करदे आं, दैन तुहाडा प्रोजेक्ट वर्क रीसबमिट दे विच आ जाएगा, तुहाडे 6 मंथ बिल्कुल बर्बाद ने उत्थे। तुसी ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। तुसी अपना 100 पेजेस का तुहाडा प्रोजेक्ट मैनुअल हैगा गा, जेकर तुसी खुद क्रिएट करना दैन तुहानू 100 पेजेस का पढ़ना जरूरी हैगा, तुहानू गाइडलाइनस पढ़निया जरूरी ने, और तुहानू गाइड के संपर्क के रहना जरूरी हैगा। सो इन्हां 3 पॉइंट्स नू ध्यान दे विच रख के तुसी अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाउणा गा। सो सैकेंड आ जाता अपने कोले, थर्ड आ जाता इहदे विच अपने कोले निष्कर्ष, जिन्हों आपां पंजाबी दे विच सिट्टा कह दिंदे आ। सो तुसी की सिट्टा कढ़िया, तुसी ऑब्जर्व कीता, विश्लेषण कीता और सिट्टा की कढ़िया एंड ते, वो तुसी अपने प्रोजेक्ट वर्क दे विच लिखना गा। सो 2 वीडियोज़ नू लैके ही तुसी अपना पहला चरण है जो वो कंप्लीट करना गा। उहदे विच मैं तुहानू पॉइंट दसते भी किहड़े इहदे विच होणगे, सो ये गल तुसी ध्यान दे विच रखनी है। टैक्निकल पॉइंट तुहाडे प्रोजेक्ट दे विच दिखणे जरूरी ने, सो ये गल ध्यान दे विच रखियो। सो नैक्सट आ जांदा दूजा चरण। दूजा चरण दे विच आपां जो 20 डेज़ लए ने इन्हां नू भी अगे वंडिया गया गा, जो 20 डेज़ ने इन्हां नू अगे वंडिया गया है। सो इन्हां दी वंड किस तरह हुई है, फर्स्ट 10 डेज़ और लास्ट 10 डेज़। हुण जो पहले 10 दिन ने और जो पिछले अपने कोले 10 दिन ने, इन्हां दे विच असी की करना गा, हुण तुसी यही नोट करना गा, जो असी पहले 10 दिन ने उन्हां दे विच असी बच्चे दे नाल एक एक एक्टिविटीज़, भाव के एक दिन दे विच एक एक्टिविटीज़ ही करनी है। पहले दिन एक करी,
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? 10 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 10 ਡੇਜ਼। ਲਾਸਟ 10 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ 10 ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? 20। ਹੁਣ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਪਲੱਸ 20 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 30 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚਰਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ 3 ਸਟੈਪ ਮੇਨ ਨੇਗੇ, ਸੋ ਉਹ 3 ਸਟੈਪ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ 10 ਡੇਜ਼ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਦਿਖਦਾ ਉਨਾ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ PDF ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੂਅਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ PDF ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ PDF ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜੋ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦੈਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਜੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਤਦ ਵੀ, ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਤਦ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 1 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਈਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ।
सो ये अपने को फस्ट कंडीशन। सो सैकेंड अपने को आ जाती हैगी जेकर तुम अजिहा नहीं कर सकते तो कोल फैमिली दे विच भी बच्चे नहीं है और तुहाडे कोल आंढ गुआंढ दे विच भी बच्चे नहीं है दैन तुम मॉक सैशन कर सकते हो। मॉक सैशन तो की भाव है, मॉक सैशन तो भाव है नकल सैशन। सो नकल दे विच की आ जाता गा, नकल दे विच तुहाडे जो हाव भाव ने बिल्कुल उदां दे ही रहने चाहिए ने जिदा कि तुम प्री स्कूल दे विच जाके बच्चों नूं पढ़ाउंदे, ठीक है, बच्चों नाल अपनी प्ले एक्टिविटीज़ करते बिल्कुल उदा दे ही तुहाडे हाव भाव होने चाहिए ने। सो उहदी भी एक जो अपने कोले यंग लड़का जां लड़की है वह 3 तों 5 मिनट की वीडियो बनाएगा। नकल सैशन दे विच तुम अजिहा कर सकते हो कि तुम अपने फैमिली दे विचों 2 जां 3 मैंबर लो, उन्हां नूं सामने बिठाओ और बिल्कुल उदा ही एक्टिविटीज़ करो जिन्ना कि तुम प्री स्कूल दे विच जाके करते। सो ये अपने मॉक सैशन की गल, ये सैकंड कंडीशन सी अपनी कोले। फिर वो कहिंदे ने जेकर तुसी अजिहा भी नहीं करना चाहुंदे तां तो अज दी घड़ी यूट्यूब हरेक कोले चलदा गा, हरेक दे फोन दे विच यूट्यूब हैगा गा, ठीक है, और मोस्टली नैट भी हुंदा गा। दैन तुसी कहिंदे फिर तुसी यूट्यूब तो कोई 5 वीडियो सिलैक्ट करनियां ने। सो वो 5 वीडियोज़ प्री स्कूल दियां सिलैक्ट करनियां ने जिहदे विच कोई टीचर है जो वो प्ले एक्टिविटीज़ कर रहा है बच्चों के नाल, ठीक है, और बच्चों के नाल वो प्ले एक्टिविटीज़ जो कर रहा है वो तुसी ऑब्जर्व करनिया ने, ठीक है। सो वो तुसी 5 वीडियोज़ देखनिया ने गियां, बट वो उन्होंने एक शर्त देती, बट कहिंदे ऐदा नहीं होना चाहिए कि जिदा तुसी सानू असीं तुहानू जो सैक्शन ए दे विच तुहानू दित्तियां सीगियां 2 वीडियोज़ और जो 2 वीडियोज़ आपां बी दे विच दित्तियां सी तुहानू तुसी उन्हां नू ही चूज़ कर लो, ऐदा नहीं होना चाहिए। इन्हां वीडियोज़ तो अलग होनिया चाहिए ने, वो वीडियोज़ कोई 5 यूट्यूब तो तुसी खुद सिलैक्ट करोगे, उन्हां दा URL तो अपने प्रोजेक्ट मैनुअल दे विच पाओगे। बट उदां दे विच उन्होंने एक चीज़ देती कि दैन तुसी उहदी कोई रिपोर्ट नहीं लिखनी। सो ये सीगी अपने कोले थर्ड कंडीशन है जो अपने सैकंड चरण की। सो इस तरह ही इन्हां दे विचों जो सब तो सौखी चीज़ लगी मैनू वो यही लगी कि तुसीं अपने आंढ गुआंढ दे विचों 2 जां 3 बच्चे लो, उन्हां नाल एक्टिविटीज़ करो, सो उन्हां अकॉर्डिंग तुसीं अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार करो। सो ये थोड़ा जिहा ज़्यादा सौखा रहेगा तुहाडे लई, बाकी तुहाडी खुद ही इच्छा तुसीं किद्दां करना चाहुंदे हो जो अपना सैकंड चरण हैगा गा। सो सैकंड चरण दे विच तुहानूं मैं अगे इन्हां नूं जिक्र होर डिस्कस करां थोड़ा जिहा, दैन अपने कोल कुछ पॉइंट होर निकल के आ जाते हैं। सो वो पॉइंट देखो किड़े किड़े ने। सो उन्होंने आ जाता है वट इज गोल ऑफ एक्टिविटी, सैकेंड आ जाता अपने को मटीरियल, रिक्वायर्ड मटीरियल, ठीक है, जो सैकेंड है अपने कोले वो हैगा रिक्वायर्ड मटीरियल। और जो थर्ड आ जाता अपने कोले वो आ जाता है कंटेंट। हुण तुहानू ये पॉइंट नहीं समझने कि वो वट इज़ गोल ऑफ एक्टिविटी की है, रिक्वायर्ड मटीरियल की है और कंटेंट की है, यह मैं तुहानू कल्ला कल्ला समझाउणा। वट इज़ गोल ऑफ एक्टिविटी, तुसीं जो बच्चे दे नाल एक्टिविटीज़ कर रहे हो उहदा मुख मकसद की है, करन दा मकसद की है, उसदे नाल बच्चे दा जो विकास है वो केड़ा विकास बच्चे दा हो रहा गा, वो तुसीं वट इज़ गोल ऑफ एक्टिविटीज़ दे विच लिखोगे। तुसीं बच्चे नूं बाहरी खेल करा रहे हो दैन उसका कोई शरीरक विकास हो रहा है, ठीक है, और कोई सूक्ष्म क्रिया करा रहे हो उहदे नाल बच्चे दा की विकास हो रहा। सो वो सारिया चीज़ां तुसीं गोल ऑफ एक्टिविटीज़ दे विच लिखणियां ने। सो सैकेंड अपने कोले आ जांदा है रिक्वायर्ड मटीरियल, जो बच्चे नूं तुसी आपां जिहनूं आपां कह दिंदे आ टीचिंग लर्निंग मटीरियल। सो जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल हैगा वो बिल्कुल उदां दा होना चाहिए जो कि बच्चे दे अनुकूल होवे। सो वो मटीरियल तुसी खुद बना सकते हो, हत्थी बना सकते हो, तुसी बाजार दे विचों लै सकते हो, ठीक है, तुसी किसी की सहायता लै सकते हो, बट जो मटीरियल है तुसी अपने गाइड नूं एक बार जरूर दिखाउणा होएगा कि वह बच्चों के अनुकूल हैगा भी है जां नहीं, ठीक है। सो थर्ड आ जाता अपने को कंटेंट। हुण तुहानू कंटेंट दे बारे मैं दसदा, कंटेंट दे विच की आ जाता गा, कंटेंट दे विच यही चीज़ है कि तुसी सब तो पहला जाके तुसी जाओगे तो दैन बच्चों नाल की करोगे, तुसी बच्चों नू कोई सवाल पुछोगे सब तो पहला जाके, तुसी बच्चों नू कोई सब तो पहला जाके कहानी सुनाओगे, ठीक है, तुसी बच्चों नू मतलब किदा मतलब संबोधन करोगे सब तो पहला जो तुसी जाना गा, दैन तुसी की करना गा, वो अपने को कंटेंट दे विच आ जाता गा। सो ये 3 अपने को अगेन पॉइंट आ जाते हैं, गोल ऑफ एक्टिविटी, रिक्वायर्ड मटीरियल और
कंटेंट। सो इन्हों के आधारत है जो वह अपना दूजा चरण हैगा गा, बट इन दूजे चरण के एक चीज़ ध्यान दे विच रखियो कि जो तो अपने को मैं तुम्हें सब तो पहला दस्या कि अपने को प्लैनिंग है ना, जो अपने को प्लैन ऑफ एक्टिविटी है और जो टीचिंग लर्निंग मटीरियल है, ये तुम अपने गाइड में एक बार चैक जरूर करवाना गा, ठीक है। सो ये चीज़ आ जाती है ये जेकर तुम खुद तैयार कर रहे हो, जेकर तुम मतलब खुद क्रिएट कर रहे हो दैन तुम दिखाना गा, जेकर तुम PDF की सहायता लै रहे हो दैन तुम्हें कोई लोड़ नहीं हैगी। सो ये चीज़ है ये। सो नैक्सट अपने को आ जाता है थर्ड चरण, जो थर्ड चरण है अपने को ही हैगा गा 5 days का। सो 5 days के जो थर्ड चरण है ये की करना गा वो मैं थोनू नैक्सट वीडियो के दसूँगा। जेकर तुम चाहते हो कि थर्ड डेज के उपर भी अपने को जो थर्ड चरण है उसके उपर भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी जेकर मैं तीजा चरण इतने ना डिस्कस कर लग गया। दैन तुम कमेंट के दसोंगे कि जो अपने को थर्ड चरण हैगा उस दे विच तुहानूं जो थर्ड चरण है वो बारे कोई जानकारी चाहिए है जा नहीं। कमेंट के एक चीज़ होर भी दसनी है, जो अज की वीडियो है वो तुहाडे लई हैल्पफुल होई जा नहीं वो भी तुसीं कमेंट बॉक्स के दस सकते हो। सो जो मैं तुहानूं नंबर दिता गा 6296-37128 मेरा खुद का नंबर है, इस पर कॉल करके तुसीं PDF लै सकते हो, जो जे तुसीं कुछ डिस्कस करना है दैन तुसीं कर सकते हो। जेकर तुहानू अगेन कोई अजिही वीडियो थर्ड चरण के उपर भी चाहिए है दैन तुसी इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट सैक्शन के दसना गा। जेकर कोई होर भी क्वायरीज हैगी है प्रोजैक्ट नू लैके दैन भी तुसी कमेंट सैक्शन के जाके जरूर लिख सकते हो, उसका रिप्लाई तुहानू जरूर मिलेगा। सो अज की वीडियो के लिए आपां इन्ना ही रखते हैं। सो मिलांगे नैक्सट वीडियो के। धन्यवाद।